हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द गर्ली मॉम। आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हम दिवाली का ब्लॉग मैं आपके साथ शेयर करूंगी एंड रंगोली शेयर करूंगी एंड अपना आउटफिट शेयर करूंगी, तो नंदिता का आउटफिट शेयर करूंगी आपके साथ, सारी डिटेल शेयर करूंगी। बाज़ार भी हम जाएंगे और वहाँ पर क्या हम खरीदते हैं, क्या गिफ्ट्स हम खरीदते हैं रिलेटिव्स के लिए, तो वो सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगी एंड तो बने रहेगा मेरे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है मेरी आनंदिता की आउटफिट। अभी तो ये बेबी जो है सोया हुआ है, तो हमें जस्ट बाज़ार जाके आए हैं अभी एंड ये आउटफिट आनंदिता के लिए मैंने लिया था। एंड फुल लुक जो है ना, जब ये जाग जाएगी ना तब मैं आपको दिखाऊँगी एंड मैं अपनी जो ड्रेस है वो भी मैं आपको दिखाऊँगी, जो अपनी जो ड्रेस है उसका जो फुल लुक है मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी एंड नंदिता के भी दिखाऊंगी। ईच एंड एवरी थिंग आपके साथ शेयर करूंगी। इससे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए एंड इससे पहले भी मैंने बहुत ही अच्छे अच्छे ब्लॉग्स जो है आपके साथ शेयर किए हैं वो ज़रूर देखिएगा एंड कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी। सो गाइस, तैयार होने के बाद हम जो हैं तीनों अपनी मॉम के घर हमने जाना था, मेरी मॉम के घर, तो हमने उनके लिए कुछ गिफ्ट्स लेने थे इसलिए हम जो है फ्रेंच बेकर्स के गए थे। एंड ये जो है जो बस स्टैंड वाली फ्रेंच बेकरी है वहाँ हम गए थे एंड मुझे ये बेकरी पर्सनली बहुत पसंद है। मैं यूजुअली यहाँ से बेकरी प्रोडक्ट्स जो खरीदती हूँ एंड काफ़ी अच्छी क्वालिटी के होते हैं एंड यहाँ पर हर तरह के जो है गिफ्ट्स थे, मतलब ड्राई फ्रूट्स से लेकर जूस और भी गिफ्ट हैम्पर्स काफ़ी अच्छे अच्छे इन्होंने बनाए हुए थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा वाइड वैरायटी थी इनके पास। एंड आपको मुझे हो सकता है मेरी आवाज़ जो है थोड़ी सी ख़राब लगे क्योंकि एक्चुअली मैं थोड़ी सी बीमार हो गई आफ्टर दिवाली। इवन जो दिवाली की रात को ही मैं बीमार हो गई थी, मुझे खांसी जुकाम तो काफ़ी हो चुका है इसलिए मेरी आवाज़ ऐसी हो गई है। तो इसके बाद जो है हमने मतलब यहाँ पे मैंने अच्छे सारे जगह देखा, मुझे जो अच्छा लगा मैं उनसे बात कर रही थी कि ये जो बिस्किट्स हैं वो क्या क्वालिटी की हैं, तो उन्होंने बताया कि ये देसी घी से बने हुए बिस्किट्स हैं। तो यहाँ की स्पेशलिटी थी इनकी कि इन्होंने बिस्किट जो थे देसी घी से बनाए हुए थे एंड काफ़ी रिजनेबल प्राइस पर थे एंड क्वालिटी वाइज तो मैंने आपको बोला कि इनके प्रोडक्ट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं एंड हिज नेचर इज़ वेरी नाइस एंड तो मैं मतलब जाती रहती हूँ इनकी यहाँ पे, तो आप भी ट्राई कर सकते हैं, इनके दुकान पे जा सकते हैं। एंड यहाँ से कुछ गिफ्ट हैम्पर्स लेने के बाद जो है हम आगे बढ़े एंड आगे बढ़ने पे मुझे ये बिस्किट्स दिखे एंड ये भैया जो है बिस्किट जहाँ पे सेल कर रहे थे, तो मैंने इनको बोला क्योंकि थोड़ा ट्रस्ट इशू तो होता ही है कि पता नहीं बिस्किट्स जो फ्रेश होंगे या नहीं होंगे, किसी को गिफ्ट देना है, तो मैंने यहाँ से इनको बोला कि मुझे टेस्ट करनी है, तो उन्होंने बोला कि हाँ आप टेस्ट कर सकते हैं। तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने टेस्ट किए, हम दोनों को इनकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, बिल्कुल फ्रेश बिस्किट्स है, जैसे कि आज या कल में ही बिस्किट्स जो है निकाले हुए थे, तो इसलिए हमने यहाँ से बिस्किट्स खरीदे, तो मुझे इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी एंड इनके पास नमकीन और मीठे दोनों तरह के बिस्किट्स थे। तो इसके बाद जो है हमें दिए लेने थे, तो दिए जो है मैंने यहाँ से लिए। तो इस वीडियो के थ्रू आपको मैसेज देना चाहती हूँ कि इन दिवाली पे या कुछ खास मौक़ों पे ये स्ट्रीट वेंडर्स जो हैं कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं उन लगाते हैं, तो उनको ज़रूर खरीदिए एंड इनको स्ट्रीट वेंडर्स को एम्पावर कीजिए एंड क्योंकि हम ये दिए वगैरह तो हम यहाँ से ले ही सकते हैं एटलीस्ट, एंड मैं तो उनसे मोल भाव भी नहीं करती हूँ। तो इसके बाद जो है मैंने कुछ डेकोरेशन का सामान लेना था, तो डेकोरेशन का सामान भी मैंने इन्हीं लोगों से लिया जो घंटागढ़ के पास थे, जिन्होंने अपनी दुकानें लगाई हुई थी, तो इनसे मैंने कुछ डेकोरेशन चीज़ें ली। मैं देख रही थी काफ़ी अच्छी जो है मतलब डेकोरेशन का सामान था इनके पास एंड मुझे तो काफ़ी रिजनेबल भी लगा। हो सकता है दिवाली वाले दिन लिया तो इनको होगा कि मतलब हम जो है सामान बेच देते हैं, बट मुझे पिछली दिवाली से भी जैसे मुझे याद है कि काफ़ी महंगी जो होती थी ये फूल वाली लड़ियाँ वगैरह, बट इस बार मुझे इतनी ज़्यादा कॉस्टली नहीं लगी। तो यहाँ से मैंने जो है कुछ लड़ियाँ ली, तो इसके बाद जो है हम थोड़ा आगे आए शिमला पहाड़ी वाली साइड, तो हम यहाँ पे मैं देख रही थी कि यहाँ पे बनी बनाई जो पहले से हम जस्ट इसमें ड्राइंग्स टाइप जैसे हम बोल सकते हैं, तो रंगोली के जो मतलब ये थे बोर्ड से थे एंड इसमें बस कलर करने होते हैं एंड रंगोली बन जाती है। और यहाँ पे देखो नदी तक कितनी ज़्यादा शरारती करती है ये लड़की, ये देखिए
ये यहाँ पे मतलब ये जो भी मतलब इसको मतलब ऐसे होता है कि बच्चों को जो चीज़ें अट्रैक्टिव होती है ना उसकी तरफ बहुत ही ज़्यादा मतलब अट्रैक्ट होते हैं, उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि क्या चीज़ है। दे डोंट नो कि इससे कुछ किसी का नुकसान हो सकता है कुछ भी, बट इसने कोई नुकसान वैसे कि करने में इसको दिया नहीं था, बट शी वॉज ट्राइंग टू डू समथिंग। जो है हम नंदिता की नानी के घर गए एंड बस फिर यहाँ पे हमने इसकी छोटी सी मैंने वीडियो जो है बना ली थी, तो मैं वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसके बाद जो है हम घर वापस आ गए एंड ये देखिए ये क्या कर रही है। वैसे तो मैंने ये जो वीडियो है पोर्ट्रेट में बनाई थी बट मैंने ऐड कर दी एंड बस ये चेयर के साथ ऐसे ही आगे की तरफ चेयर को खींच रही थी। अब थोड़ा मतलब सहारा लेके जो चलना शुरू कर दिया है इसने, सहारा लेके खड़ी हो जाती है एंड यहाँ पे काफ़ी अच्छी इसकी जो ड्रेस फ्लॉन्ट कर रही है ये अपनी एंड बस यहाँ पे ये कुछ खेल रही थी। इसके बाद जो है मैंने रंगोली बनानी शुरू कर दी। वैसे मैंने सोचा था इस बार कि मैं बोर्ड से ही जो है वो बोर्ड वाली रंगोली ले आऊँगी जो जो ना डिज़ाइन से होते हैं उसमें कलर फिल कर दूँगी, बट फिर मैंने सोचा कि मैं हर बार खुद बनाती हूँ तो इस बार भी मैं खुद ही बनाऊँगी। तो बस यहाँ पे मैं एक सिंपल सा डिज़ाइन जो है बनाया था क्योंकि फिर नंदिता जो है वो तंग करने लग जाती है उसको, मतलब वो शी वांटेड अटेंशन। तो बस यहाँ पे मैंने शुरू कर दी रंगोली। तो दिवाली वगैरह की पूजा करने के बाद जो है हम छत पे आ गए। हम कुछ फायर क्रैकर्स लेके आए थे, नंदिता की ये फर्स्ट दिवाली थी और बस यहाँ पे मैं जो हूँ काफ़ी एंजॉय कर रही थी क्योंकि मैं शादी से पहले भी जो क्रैकर्स वगैरह चलाती थी तो यहाँ पे नंदिता काफ़ी खुश हो रही थी तो पकड़ने की कोशिश कर रही थी, तो हमने इसको बिल्कुल भी पकड़ने नहीं दिया या हमने दिया ही नहीं इसे बिल्कुल भी। तो काफ़ी एंजॉय करी थी, काफ़ी खुश हो रही थी। ये देखिए नंदिता लेना चाहती है। तो यहाँ पे हमने ऐसे कुछ फायर क्रैकर्स में हमने जस्ट अनार और फुलझड़ी चलाई ताकि जो है हम एंजॉय कर सके। ज़्यादा बम जो पटाखे जो दूसरे वाले पटाखे होते हैं बड़े वाले वो हमने नहीं लाए थे क्योंकि नंदिता भी छोटी लड़की है और साथ में बस थोड़े बहुत एंजॉय करने के लिए शगुन टाइप जो है हमने किया था। तो यहाँ पे मैं वीडियो को समाप्त करती हूँ। इसके बाद जो है हम क्रैकर्स वाला चलाने के बाद नीचे चले गए थे। यार नीचे जाने के बाद पता नहीं मुझे अचानक क्यों जुकाम कफ सब कुछ ही होने लग गया। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।